नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावना। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पैशनेट बायोलॉजी में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो कि है इंसेक्ट टैक्सोनॉमी। लेकिन इंसेक्ट टैक्सोनॉमी स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि हमारा ये एंटमोलॉजी का फर्स्ट वीडियो लेक्चर है, तो एंटमोलॉजी क्या होता है पहले इसकी जानकारी ले लेते हैं। एंटमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। एंटोमोलॉजी साइंस की वह ब्रांच है जिसमें हम इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। विलियम किल्बे इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ एंटोमोलॉजी। विलियम किल्बे को एंटोमोलॉजी का फादर कहा जाता है। अब बात करते हैं इंसेक्ट टैक्सोनॉमी की, जिसमें हम बात करेंगे क्लास इंसेक्टा को कैसे और कितने ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। तो चलिए देखते हैं। एक साइंटिस्ट थे ब्रूअर, जिन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था सन 1885 में, जिन्होंने क्लास इंसेक्टा को टू सब क्लासेस में डिवाइड कर दिया था, ए टेरिगोटा और टेरिगोटा। लेकिन ब्रूअर ने क्लास इंसेक्टा के सिर्फ 16 ऑर्डर्स ही बताए थे, लेकिन क्लासिफिकेशन का मॉडर्न स्कीम एडी एम्स के द्वारा दी गई है और इन्होंने क्लास इंसेक्टा को दो सब क्लासेस में डिवाइड किया, ए टेरिगोटा और टेरिगोटा। और ये डिवीज़न कुछ कैरेक्टर्स के आधार पर था, और ये कैरेक्टर्स थे प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ विंग्स, टाइप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ माउथ पार्ट्स, मेटामॉर्फोसिस, नंबर ऑफ मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, नंबर ऑफ विंग्स एंड सेगमेंट्स ऑफ बॉडी। और एम्स ने क्लास इंसेक्टा को टोटल 29 ऑर्डर्स को रिपोर्ट किया था। इन्होंने एडी एम्स ने क्लास इंसेक्टा में टोटल 29 ऑर्डर्स को रिपोर्ट किया था। और ये 29 ऑर्डर्स कैसे डिवाइड किए गए हैं ये अभी हम आपको बताएंगे। अब सबसे पहले जानते हैं ए टेरिगोटा के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। ए टेरिगोटा में 29 में से सिर्फ 4 ऑर्डर्स को ही रखा गया, प्रोट्यूरा, डाइप्लूरा, कोलम्बोला और थाइसेन्यूरा। ए टेरिगोटा के इंसेक्ट्स में मेटामॉर्फोसिस नहीं पाई जाती है, लेकिन इनमें बहुत बार मोल्टिंग की प्रोसेस होती है। ए टेरिगोटा में जो भी इंसेक्ट्स आते हैं वो विंगलेस होते हैं, मीन्स उसमें विंग्स नहीं पाए जाते हैं। अब इस ए टेरिगोटा को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है एक्टोगनाथा, जिसमें सिर्फ इन 4 ऑर्डर्स में से सिर्फ 1 ऑर्डर को ही रखा गया, और वो है थाइसेन्यूरा। और ये जो बचे हुए 3 ऑर्डर्स हैं उनको एंडोगनाथा में रखा गया है, मीन्स एंडोगनाथा में प्रोट्यूरा, डाइप्लूरा और कोलम्बोला को रखा गया है। अब आते हैं टेरिगोटा पे। टेरिगोटा में जो इंसेक्ट्स आते हैं उनमें विंग्स पाए जाते हैं। अब टोटल 29 ऑर्डर्स में से 4 ऑर्डर्स ए टेरिगोटा में चले गए, तो बचे कितने ऑर्डर्स, 25 ऑर्डर्स। तो टेरिगोटा में कितने ऑर्डर्स आते हैं, 25 ऑर्डर्स आते हैं। अब इस टेरिगोटा को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है एक्सोप्टेरिगोटा, जिसमें 25 में से 16 ऑर्डर्स को रखा गया, और दूसरा है एंडोप्टेरिगोटा, जिसमें बचे हुए 9 ऑर्डर्स को रखा गया। एक्सोप्टेरिगोटा के ऑर्डर्स हैं एफीमेरोप्टेरा, ओडोनाटा, प्लेकोप्टेरा, ग्राइलोब्लेटोडिया, ऑर्थोप्टेरा, फाजमिडा, डर्मेप्टेरा, डिक्टियोप्टेरा, एम्बियोप्टेरा, आइसोप्टेरा, जोरोप्टेरा, सोकोप्टेरा, मेलोफागा, साइफनकुलाटा, हेमिप्टेरा एंड थाइसेनोप्टेरा। और एंडोप्टेरिगोटा में जो ऑर्डर्स आते हैं 9, वो है न्यूरोप्टेरा, मैकोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, ट्राइकोप्टेरा, डिप्टेरा, साइफनोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा, कोलियोप्टेरा एंड स्ट्रेप्सिप्टेरा। लेकिन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने टेरिगोटा के
25 ऑर्डर्स का डिवीजन कुछ अलग तरीके से किया और वो साइंटिस्ट थे मार्टिनोव। इन्होंने टेरिगोटा का डिवीजन कुछ अलग तरीके से किया। तो आइए देखते हैं कि वो तरीका क्या था। इन्होंने टेरिगोटा जो कि एक सब क्लास है, इसके दो इंफ्रा क्लासेस बनाए। पहला इंफ्रा क्लास था पेलियोप्टेरा और दूसरा इंफ्रा क्लास था नियोप्टेरा। पेलियोप्टेरा में 25 में से सिर्फ दो ऑर्डर्स को रखा गया और ये दो ऑर्डर्स थे एफीमेरोप्टेरा और ओडोनाटा। और नियोप्टेरा में 25 में से दो निकल गए तो बचे 23 ऑर्डर्स। तो नियोप्टेरा में 23 ऑर्डर्स को रखा गया। पेलियोप्टेरा में ऐसे इंसेक्ट्स आते हैं जो अपने विंग्स को एब्डोमेन के ऊपर फोल्ड नहीं कर सकते हैं, मींस इनमें विंग फ्लेक्सिंग मैकेनिज्म नहीं पाई जाती है, जबकि नियोप्टेरा में इंसेक्ट्स में विंग फ्लेक्सिंग मैकेनिज्म पाई जाती है। अब इस नियोप्टेरा को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसमें पहला है पॉलीनियोप्टेरा जिसमें 9 ऑर्डर्स को रखा गया। और ये 9 ऑर्डर्स किसके थे? एक्सोप्टेरी गोटा के थे। और सेकंड है पैरानियोप्टेरा जिसमें 5 ऑर्डर्स को रखा गया और ये 5 ऑर्डर्स भी एक्सोप्टेरी गोटा के थे। और थर्ड है ओलिगोनियोप्टेरा, इसमें 9 ऑर्डर्स को रखा गया और ये 9 ऑर्डर्स एंडोप्टेरी गोटा के थे। पॉलीनियोप्टेरा के जो 9 ऑर्डर्स हैं, ये पॉलीनियोप्टेरा के जो 9 ऑर्डर्स हैं और पैरानियोप्टेरा के 5 ऑर्डर्स टोटल हो गए, कितने? 14 ऑर्डर्स। और ओलिगोनियोप्टेरा के 9 ऑर्डर्स तो टोटल कितने हुए? 23 ऑर्डर्स। तो नियोप्टेरा में टोटल कितने ऑर्डर्स हो गए? 23 ऑर्डर्स हो गए। अब एक चीज़ ये देखिए, एक्सोप्टेरिगोटा में कितने ऑर्डर्स हमने बताए थे? 16 ऑर्डर्स बताए थे। और ये पॉलीनियोप्टेरा में कितने ऑर्डर्स हैं? 9 ऑर्डर्स हैं जो कि एक्सोप्टेरिगोटा के हैं। और ये पैरानियोप्टेरा में भी कितने ऑर्डर्स हैं? 5 ऑर्डर्स हैं जो किसके हैं? एक्सोप्टेरिगोटा के हैं। तो ये 9 और 5 ये टोटल कितने हो गए? 14 ऑर्डर्स हो गए। तो जो पैलियोप्टेरा के दो ऑर्डर्स हैं, ये पैलियोप्टेरा के जो दो ऑर्डर्स हैं, ये भी एक्सोप्टेरी गोटा के ही होते हैं। तो 9 प्लस 5 कितने हो गए? 14। और इसमें दो ऑर्डर्स और ये वाले जुड़ गए तो टोटल कितने हो गए एक्सोप्टेरी गोटा के? 16 ऑर्डर्स हो गए, ठीक है। और एंडोप्टेरी गोटा के 9 ऑर्डर्स बताए थे जो कि ओलिगोनियोप्टेरा में रखे गए हैं। अब चलिए पॉलीनियोप्टेरा, पैरानियोप्टेरा और ओलिगोनियोप्टेरा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पॉलीनियोप्टेरा, इसे ऑर्थोप्टेरा ग्रुप भी कहते हैं। अब इसके कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं वो आइए देख लेते हैं। इसमें मैंडिबुलेटेड माउथ पार्ट होता है, हाइंड विंग में एक एनल लोब प्रेजेंट होता है, लार्ज एनल लोब प्रेजेंट होता है, सरकाई प्रेजेंट होती है, बहुत सी मेल्पिगियन ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं एक्सक्रीशन के लिए, और इसके वेंट्रल नर्व कॉर्ड पे बहुत सारे गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं। और इसके कौन कौन से ऑर्डर्स होते हैं ये देखिए, प्लेकोप्टेरा, ग्राइलोब्लेटोडिया, ऑर्थोप्टेरा, फॉस्मिडा, डर्मेप्टेरा, एम्बियोप्टेरा, डिक्टियोप्टेरा, आइसोप्टेरा, जोरोप्टेरा, ठीक है। अब आते हैं पैरानियोप्टेरा के ऑर्डर्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। इसमें क्या क्या आता है पैरानियोप्टेरा, इसे हेमिप्टेरॉइड ग्रुप भी कहते हैं। और इसके कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं? पियर्सिंग और सकिंग या सेक्टोरियल माउथ पार्ट इसमें होता है, हाइंड विंग पे लार्ज एनल लोब प्रेजेंट नहीं होता है, सरकाई इसमें अब्सेंट होते हैं, वेंट्रल नर्व कॉर्ड बहुत ही कंडेंस्ड होती है, और कुछ नंबर्स में इसमें मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। तो इसके ऑर्डर्स हैं सोकोप्टेरा, मेलोफागा, साइफन कुलाटा, हेमिप्टेरा और थाइसेनोप्टेरा। अब थर्ड आता है ओलिगोनियोप्टेरा,
इसे पैनर पॉइंट कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं और इसमें 9 ऑर्डर्स टोटल हैं, लेकिन इसमें 6 ऑर्डर्स को अलग रखा गया है और 3 ऑर्डर्स को अलग रखा गया है। जो 6 ऑर्डर्स हैं उनमें पैनर पॉइंट कंडीशन पाई जाती है, मीन्स इनमें जो इंसेक्ट्स आते हैं उनमें एक दूसरे के साथ क्लोज इंटर रिलेशनशिप पाया जाता है। और इसके एग्जांपल हैं, इसमें ऑर्डर्स जो आते हैं वो हैं न्यूरोप्टेरा, मैकोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, ट्राइकोप्टेरा, डिप्टेरा एंड साइफोनोप्टेरा। और ये जो 3 ऑर्डर्स हैं इनमें पैनल पॉइंट कंडीशन नहीं पाई जाती हैं, और ऐसा माना जाता है कि ये इंसेक्ट्स इंडिपेंडेंटली ही इवॉल्व हुए हैं। तो इसके ऑर्डर्स हैं हाइमेनोप्टेरा, कोलियोप्टेरा एंड स्ट्रेप्सिप्टेरा। थैंक यू, दैट्स ऑल।